लाल भाई आज अब्बास आए थे, क्या कार्यक्रम रहा? मुख्तार के इंतकाल के बाद 10वीं का फातिहा आज था और उसमें शिरकत करने के लिए उन्होंने याचिका जो दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 4 दिन की मांग थी तो 3 दिन की कस्टडी पेरोल ग्रांट की और इस अवधि में कहा कि वो कासगंज जेल से गाजीपुर जेल में रहा करेंगे और 10 तारीख को अपने पिता के फातिहे में शिरकत करेंगे जैसा कि आज हुआ। हाँ, थोड़ा देर से लोग लाए, यहाँ 4:30 बजे शाम को अब्बास आए और फातिहा फजर की नमाज के बाद यानी सूर्योदय के पूर्व से शुरू हो गया था, तो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो जो आदेश था उसको लागू अपनी तरह से किया इन लोगों ने कि हम जय बजे से चाहें शुरू करें। बहरहाल मगरिब बाद रोज़ा रमज़ान आज आखिरी दिन था, ईद का चांद भी दिख गया, तो अफ्तार करने के बाद आकर के यहाँ फातिहा पढ़ा गया। अब्बास ने फूलों की चादर अपने पिता और अपने दादा दादी की मज़ार पे चढ़ाई, मिट्टी डाली और कुरान की तलावत हुई, फातिहा पढ़ा। अफ्तारी में अब्बास शामिल रहे जी? अफ्तारी में अब्बास? हाँ, अफ्तारी तो वहीं घर पे। दरअसल ये लोग कल ही हमसे मिले थे जब जैसे ही आर्डर हुआ, हमने कहा कैसे होगा कि आपको सहूलत होगी, कहे कि परिजनों तक नातेदार रिश्तेदारों तक सीमित कर दीजिए। हमने देखा था कि जो मुख्तार की जिस दिन मिट्टी आई थी और उनके दफन के बाद मिट्टी देने के सवाल पर जो एक थोड़ी देर के लिए नाखुशगवार वाक़या पेश आया, तो हम भी नहीं चाहते थे कि हम लोग गम के इस मौके पर कोई ऐसी चीज़। अब जैसे कहिए तो जैसे उन्होंने बताया, पहले उन्होंने एक पत्र दिया एसपी साहब का और उस पत्र पर ही कहा उन्होंने जो कार्यक्रम है लिख दीजिए, मैंने आज की तिथि का और कल 11 तारीख ईद का दिन है, पूरे देश में ईद मनाई जा रही है, हमारे घर में ईद खुशी के पर्व के रूप में नहीं मनाई जाएगी, लेकिन मुख्तार अब ज़िंदा नहीं रहे तो उनके न रहने में, दुनिया में वो नहीं है तो उनके न रहने की ये पहली ईद होगी, तो ऐसे मौके पे सारे ख़ानदान और रिश्ते नाते और अपने हमदर्द लोग आते हैं एक तरह से तसल्ली पुरसा देने, गमों को बांटने के लिए, और वो एक ईद की रस्म हो जाती है, तो वो भी लिख दिया। और फिर 12 तारीख को मुख्तार को दफन किया गया है यहाँ, मौत तो हो गई थी 28 तारीख को लेकिन दफन से जोड़ा जाता है तो दफन हुआ 30 तारीख को, तो उससे 12 तारीख जो है वो 13वां दिन है, हम लोग तीजे का फातिहा करते हैं जो उनकी मगफरत के लिए दुआ होती है, तो ये तीनों कार्यक्रम लिख के दे दिया था। हमने कहा कि देखिए इसी में ईद का मसला है कि ईद की नमाज़ अगर पढ़ने वो मोहम्मदाबाद आएंगे तो हम स्वयं तस्लीम करते हैं कि उस बड़ी ईदगाह में इतनी बड़ी भीड़ में शायद हम भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकें, अनुशासनहीनता होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सब कुछ हो रहा है तो जो रिलीफ मिला है उसका हम कोई नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ईद की नमाज़ वहीं जेल में जैसे जेल के और बंदी पढ़ेंगे वैसे उनको पढ़ा दिया जाए और ईद की नमाज़ के बाद जब आप उनको यहाँ घर लाएंगे तो यहाँ हमारे जो कस्बे के आसपास के लोग जो मिलने जुलने वाले आते जाते हैं, पहली ही ईद ऐसी है जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे तो वो एक गम के शक्ल में होगी, उस मौके पर मुख्तार का बेटा मौजूद रहेगा, बड़ा बेटा है तो लोगों से मिल जुल लेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि अगर कोई स्पेशल प्रोग्राम न भी हो तब भी उनको उनके परिजनों से मिलवाया जाए, तो हम लोग उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, अगर उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ट्विस्ट किया जाएगा
तो हम उम्मीद रखते हैं नहीं करेंगे लोग, अगर करेंगे लोग तो हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर एक पॉलिटिकल सवाल पूछना है, भाजपा ने आज आपके खिलाफ एक प्रत्याशी उतार दिया पारसनाथ राय। हमारे ही खिलाफ क्यों भैया, भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर से लोकसभा का एक कैंडिडेट घोषित है इस वक्त, तो इसलिए कहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी दे दिया, उनको जानते पहचानते हैं, कैसी लड़ाई मांगते हैं? अब हमने कई अभी देख रहे थे झा साहब को, तो कहे हमें फोन करके पूछना पड़ा कि ये कौन है, फिर आप ही में से कोई सज्जन उनको इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने पूछ लिया कि आप टिकट मांगने वालों में थे, तो बड़े ईमानदारी से उन्होंने कहा कि मैंने टिकट न मांगा था न मैं उस कतार में था। तो ये तो दरिया दिली है देने वालों की, उन्होंने उस पार्टी ने उस संगठन की दरिया दिली है, और आप सब जानते हैं कि चमत्कार होता है बीजेपी में, एक चमत्कार इसी तरह से एक बार दरिया दिली दिखाई गई थी 2009 के चुनाव में, फिर एक बार दरिया दिली दिखाई गई है। बाकी गाजीपुर की जनता की अदालत में फैसला होना है, हमको पहले से डिक्लेयर किया गया था, अब ये 13वीं वाला भी जो तीजे का फातिहा है हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम हाजिर रहेंगे गाजीपुर जनता के अदालत में, और बाकी आप लोग भी हैं, कैंडिडेट अच्छे हैं और अभी हम भी कुछ पता कर रहे हैं, गांव का नाम पता लग गया, लेकिन कोई विद्यालय है जो पंडित मदन मोहन मालवीय विद्यालय के वो प्रबंधक हैं, बहुत एक्सरसाइज करके लाई है और बहुत कोशिश किया है। बहुजन समाज पार्टी आपकी पुरानी पार्टी, क्यों कह रहा हूँ 2009 का इतिहास याद करिएगा, उसमें फायदा तीसरा ही उठा ले गया था, वैसा हुआ हो चुका है ना, इतिहास है ना गाजीपुर का। हाँ यही जोड़ते वक्त ये सब नहीं देखा जाता, जोड़ने वाला बस ये जोड़ रहा है कि दो जगह का एक जगह चढ़ जाए तो आएगा देखा जाएगा। पूरी कोशिश होगी, और कहा था इस बात को आप क्यों पकड़ते हैं, हम तो मतलब मुझे लगता है अप्रैल में ही दोनों तारीखें लगी हुई हैं, और बेल की एक गाजीपुर में एक जो मुकदमा है उसमें बाकी को अक्यूज्ड की बेल हो गई। मुकदमा ये है कि एक सज्जन ने कहा कि बहुत पहले हमसे जो ज़मीन या कोई उनका मकान लिखाया गया वो उस वक्त दबाव में हमसे लिखवा लिया गया। अब उस सज्जन को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं तो नाम भी बता दें उसको, तो किन परिस्थितियों में उन्होंने FIR की है और क्या उसकी सच्चाई है। दूसरा, उनकी पत्नी उनसे जेल में मिलने गई थी तो कहा गया कि वो परमिशन वाला फार्म और नहीं भरा गया था, उनमें अनियमितता थी, उसमें मुकदमा कायम किया, उसको भी भेज दिया था, उसकी ज़मानत हो गई, उसके ड्राइवर की ज़मानत हो गई, वहाँ जेल के कर्मचारियों की अधिकारियों की ज़मानत हो गई, कैंटीन वाले की ज़मानत हो गई, कोई लोकल एक नेताजी थे उनकी भी ज़मानत हो गई। तो अब अब्बास तो पहले ही से जेल में बंद था, हम लोग उम्मीद करते हैं कि कानून के रास्ते से हम लोग उनकी भी ज़मानत करा लेंगे। बच गया जो ED का सवाल, तो 4 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, मतलब अब्बास अंसारी के मामले में उन्होंने कहा है कि 22 लाख रुपया इनके अकाउंट में आया गया पूरे कुंडली खोजने पे, उस 22 लाख रुपए में 18 लाख रुपए तक का हिसाब ये दे दिए, लेकिन 4 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। तो देखा जाएगा, अगर वो 4 लाख रुपए के लिए वो मानेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया तो हम लोग, तो हमारे वकील हो सकता है कोर्ट में कहें कि सर ये 4 लाख रुपया अलग से रखवा लीजिए, जब डिसाइड होगा तो जैसा होगा होगा, लेकिन जब इतना ही बड़ा आरोप है तो, और 1.5 साल से वो बंद है उसी मामले में, उनको 1.5 साल जेल के अंदर हो चुका है, इसलिए मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उनको लाया जाए। अब एक क्वेश्चन और बचता है, 12 तारीख को आप लोगों की दुआ रहेगी तो हमारी अपील के उसकी सुनवाई भी हाईकोर्ट में प्रारंभ हो जाएगी, डेट लग गई है, पहले नंबर पर है।